हाय गाइस, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट के ऊपर, जो कि है कि रिलेशनशिप में बातचीत का अभाव बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ स्टार्ट कर देती है। क्योंकि ये जानने की बजाय कि सामने वाला इंसान क्या महसूस कर रहा है, वो किस प्रॉब्लम में है, हम ओवरथिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हम सिर्फ अज्यूम करने लग जाते हैं कि मे बी हमारा पार्टनर और हमारा लव्ड वन हमें चीटिंग कर रहा है। दैट्स वाई जब कम्युनिकेशन गैप होता है और बातचीत का अभाव होता है, तो सिर्फ ओवरथिंकिंग और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स माइंड में आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने पार्टनर के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में बातचीत का अभाव ना हो, ओपन कम्युनिकेशन हो, जिस वजह से प्रॉब्लम्स और गलतफहमियाँ क्रिएट ना हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि रिलेशनशिप में बातचीत का अभाव होने से गलतफहमियाँ होती हैं। तो बातचीत का अभाव बिल्कुल नहीं करना है, ओपन कम्युनिकेशन रखना है। जो सेकेंड साइकोलॉजिकल फैक्ट के ऊपर हम बात करेंगे वो है कि अक्सर आपने सुना होगा टू अपोजिट अट्रैक्ट। व्हाट द फैक्ट इज, हमें वैसे लोग ही पसंद आते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं और जिनकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर हमसे मिलता जुलता हो। यानी कि हमारी पसंद नापसंद किसी से मिलती है, हम उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और वैसे लोगों को ही हम पार्टनर सेलेक्ट करते हैं जो बिल्कुल हमसे ही मिलते हैं और हमारी पसंद नापसंद और हमारी चॉइस से मिलते जुलते हैं। और जो हमसे डिफरेंट होते हैं उनसे हम उतनी ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते, और जो हमसे मिलते जुलते हैं, जो बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं, तो उनके साथ हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं और अपनापन महसूस करते हैं। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि टू अपोजिट अट्रैक्ट। द रियलिटी इज़ द टू सेम पर्सन अट्रैक्ट टू इच अदर, जो बिल्कुल एक तरह सोचते हैं और जिनकी पसंद नापसंद एक जैसी होती है, जिनकी बिहेवियर एक जैसा होता है।